हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स ह्यूमन डेवलपमेंट में पूर्व बाल्य अवस्था के बारे में जो टॉपिक लेके आई हूँ मैं आज, वो है बालक का सामाजिक विकास। इससे पहले हम लेक्चर में सोशल फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब आता है बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। आप सामाजिक विकास के अर्थ को समझते हैं पहले कि सामाजिक विकास क्या होता है। देखिए, सामाजिक विकास किसी भी सामाजिक आशा के अनुरूप, ठीक है ना, व्यवहार करने की क्षमता प्राप्त करना, यानी कि किसी भी व्यक्ति का समाज की आशा के अनुरूप कोई भी व्यवहार करना, कार्य करना, वो सामाजिक विकास कहलाता है। और जब समाज की आकांक्षा के अनुरूप वो व्यक्ति कार्य नहीं करता, वो बालक कार्य नहीं करता, तो उसका सामाजिक विकास कैसा माना जाता है? उसका सामाजिक विकास अवरुद्ध माना जाता है। तो सामाजिक विकास के बारे में बात करें तो समाज के आकांक्षाओं पर खरे उतरना, उसके समाज में उपस्थित जो भी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, कार्य हैं, उनको फॉलो करना, उनका पालन करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। देखिए, कोई किसी भी बालक के अंदर जन्म से ही सामाजिक गुण सुशोभित नहीं। जैसे जैसे कोई भी बालक समाज के संपर्क में आता है, अपने आसपास के लोगों से परिचित होता है, उनके साथ उठता बैठता है, बात करता है, उनके साथ कार्य करता है, तभी उसका सामाजिक दायरा विकसित होता है, बढ़ता है, और वही समाज सही मायनों में सामाजिक विकास कहलाता है। तो जब बालक घर से बाहर, परिवार से बाहर निकलना प्रारंभ करता है, तभी उसका सामाजिक विकास होता है। अब जन्म के समय तो जो बालक होते हैं ना, तो वो सामाजिक होते हैं ना ही एक तरह से असामाजिक होता है। सामाजिक प्राणी इस अर्थ में जन्म से उसके आदत एवं स्वभाव ऐसा होता है कि बिना समाज के वह अपना अस्तित्व बनाए ही नहीं रख सकता। यानी कि अगर किसी भी बालक का सामाजिक विकास नहीं है, समाज के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, तो क्या होगा? उसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको सामाजिक विकास होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। सामाजिक विकास की परिभाषाएं बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग की है, समाजशास्त्रियों ने भी है। जैसे कि आपवर्ण एवं लिमकॉफ के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति मानव बनता है, ठीक है ना। अगर सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो किसी भी व्यक्ति को मानव कहना मुश्किल होगा, क्योंकि समाज के द्वारा ही वो बहुत से तौर तरीके, रीति रिवाज, परंपराएं, बहुत सी ऐसी चीजों को सीखता है, ग्रहण करता है, जिससे एक व्यक्ति को मानव कहा जा सकता है। चाइल्ड के अनुसार सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार होता है कि एक मानव के लिए सर्वाइव करने के लिए कौन कौन से व्यवहार, वास्तविक व्यवहारों की आवश्यकता है, समूह मानकों की आवश्यकता है। तो सामाजिक विकास एक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय ना तो शिशु सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, परंतु ऐसी स्थिति में वह अधिक समय तक नहीं रह सकता। यानी कि व्यक्ति का सामाजिक होना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। सामाजिक विकास का स्वरूप क्या है? सामाजिक विकास का तात्पर्य बालक के जन्म से प्रारंभ होने वाली उस प्रक्रिया से होता है जिसमें वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक वातावरण की प्रतिक्रिया कर सामाजिक गुणों को सीखता है। देखिए, सामाजिक विकास के स्वरूप की बात करें तो अभी हमने पढ़ा, मैंने बताया आपको कि जब जन्म होता है बालक का, तो ना तो वो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा, बालक बड़ा करते होता है, ग्रो करता है, वैसे वैसे उसका जो है उसकी सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो अब सबसे पहले तो बालक का जो संबंध होता है वो अपने परिवार वालों से, परिवार के रिश्तेदारों से, परिवार में रहने वाले सदस्यों से, जैसे माता पिता है, दादा दादी है, तो उसके परिवार में रहने वाले सदस्यों से उसका संपर्क होता है। तो लेकिन जैसे जब बालक जो है पूर्व बाल्य अवस्था में बाहर निकलना सीखता है, यानी कि घर से बाहर, परिवार से बाहर निकलता है,
क्यों निकलता है? क्योंकि इसको एक स्कूली अवस्था भी कहा गया है, विद्यालय अवस्था भी कहा गया है। तो क्या होता है कि जब बच्चा केवल अपने परिवार के सदस्यों के अलावा और अन्य व्यक्तियों से भी संपर्क बढ़ाएगा, बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है और वही सामाजिक विकास का स्वरूप कहलाता है। और सामाजिक और जब बाहर निकलता है सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए, तो वो नए नए कार्यों को सीखता है। तो नई नई कार्यों को सीखने के लिए अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं करता है। जैसे कि जब बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो वहाँ पर शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के संपर्क में आता है, अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों के संपर्क में आता है। तो उसको उस वातावरण में, विद्यालय वातावरण में बहुत सी कुछ ऐसी चीजों को सीखने को मिलता है कि जिससे उसका सामाजिक विकास काफी तीव्र गति से होता है। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत जो बालक है अपनी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब सामाजिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी एक सामाजिक विकास का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक वातावरण का मिलना बहुत अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि सपोज कोई बच्चा है, उसके अंदर डांस करने का, उसके अंदर सिंगिंग का कोई टैलेंट है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म, वो अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने का कहाँ मिलेगा? उसको स्कूल में, विद्यालय में उसको परफॉर्मेंस करने का उसको अवसर प्राप्त होंगे, या खेलने कूदने में कोई बच्चा टैलेंटेड है तो उसको कहाँ प्राप्त होंगे? उसको अपने अपने जो टैलेंट को एक्सपोज करने के का जो उसको अवसर है, प्लेटफॉर्म है, वो कहाँ प्राप्त होगा? विद्यालय में प्राप्त होगा। तो पूर्व बाल्यावस्था, वैसे तो हम अभी टॉपिक चल रहा है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, लेकिन सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए अपने गुणों को, बच्चों के अंदर के जो टैलेंट हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए बच्चे को जितने ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त हो उतना ही उनका सामाजिक विकास होता है। अब मान लीजिए बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है, वो किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेता है, खेल कूद में भाग लेता है, या किसी भी सिंगिंग प्रोग्राम में भाग लेता है, पोयम में हिस्सा लेता है, किसी भी एक्टिव सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है, तो इससे क्या होगा कि उसको उसके परिवार के सदस्यों के अलावा बहुत से और अननोन व्यक्ति भी उसको जानेंगे कि हाँ, इसके अंदर ये टैलेंट है, ये बच्चा है, उसका नाम, उसकी एक पहचान, उसको एक नई पहचान मिलती है। तो ये क्या है, ये सामाजिक विकास ही है कि सामाजिक विकास उस बच्चे का, उस बालक का अब तीव्र गति से हो रहा है। तो पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बात करें तो 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालकों का जीवन घर में ही व्यतीत होता है, और इस अवस्था में को पूर्व विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। ये मैं आपको अभी पहले भी बताया कि विद्यालय अवस्था होने के कारण इस अवस्था में सामाजिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि कोई भी बालक हो या बालिका हो, अगर उसका दायरा सीमित कर दिया जाए, अगर उसको केवल घर और परिवार से ही तक जोड़ कर रहने दिया जाए, तो क्या होगा, उसका सामाजिक विकास 99% तक अवरुद्ध हो जाएगा। तो स्कूली अवस्था और विद्यालय अवस्था होने के कारण ही इस अवस्था में बालक और बालिकाओं का सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, और इसीलिए समाज के प्रति बालक का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। अब समाज के प्रति बालक का दृष्टिकोण व्यापक कैसे हुआ कि जब बालक को एक पहचान मिलेगी, उसका नाम होगा, तो वो कहाँ हो रही है, समाज में तो हो रही है उसकी पहचान। उसको जो नाम मिल रहा है, उसको जो ख्याति, जो फेम मिल रही है, उसको वो समाज के द्वारा ही तो मिल रही है। तो जो बालक का दृष्टिकोण है समाज के प्रति, वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना, व्यापक हो जाता है, बढ़ जाता है, दायरा विस्तृत हो जाता है। तो पूर्व बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, क्योंकि ये विद्यालय अवस्था मानी जाती है। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। टेक केयर, थैंक यू।